मेरा नाम अनुष्का है, मैं कक्षा चतुर्थ अ की छात्रा हूँ। मैं आज आपके आपको छत्रपति शिवाजी के जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1627 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई की कोख में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। शिवाजी का शिवनेरी के पास था। उनका बचपन उनकी माता जीजाओ माँ साहेब के मार्गदर्शन में बीता। वह सभी कलाओं में माहिर थे। उन्होंने बचपन में राजनीति युद्ध की शिक्षा ली थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी था, जो अधिकतर समय अपने पिताजी शाहजी भोसले के साथ ही रहते थे। शाहजी राजे की दूसरी पत्नी तुकुबाई मोहिते थी। उन्होंने एक पुत्र हुआ जिनका नाम इकोजी राजे था। उनकी माता जी जीजाबाई यादव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिशाली महिला थी और उनके पिता एक शक्तिशाली थे। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। बचपन से ही वह युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे थे। साहस युग के कुरुतत्वों पर जलाते थे और बेचैन हो जाते थे। उनके बाल अध्ययन में संविधानता की लो प्रज्वलित हो गई थी। उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन किया। अवस्था बढ़ने के साथ विदेशी शासन की बेड़ियत ओढ़ फेंकने का संकल्प प्रबंध होता गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 में साईबाई ने बालकल के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक महान राजा एवं रणनीति के जिन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। 1674 में रायगढ़ में उनका राज अभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से ही योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध की नई